क्या आपको सफेद पदर की समस्या है, क्या आपको लाल पदर की समस्या है, क्या आपकी योनि में बहुत काफी लंबे समय से इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड आपकी योनि हो चुकी है, या आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप इन सारी समस्याओं में से किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं और काफी लंबे समय से आपने अनेक तरह के उपचार ले लिए, अनेक तरह की दवाइयां आपने खा ली हैं, उसके बाद भी आपको कोई आराम महसूस नहीं हो रहा है, तो आज का ये नुस्खा, ये वीडियो मैं उन महिलाओं के लिए बना रहा हूं जो इन सारी समस्याओं से परेशान है या इनमें से किसी भी एक समस्या से काफी लंबे समय से वो जूझ रही हैं, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी आपको ये समस्या है, चाहे कितने भी आपने ट्रीटमेंट ले लिए हैं। इस वीडियो में आज मैं जो नुस्खा आप लोगों को बताने वाला हूं, उस नुस्खे का सिर्फ 15 से 20 दिन आपने लगातार सेवन करना है, कुछ परहेजों का पालन करते हुए आपने वो नुस्खा लेना है, तो आपकी ये समस्या जड़ से ठीक होगी। जड़ से इस्तेमाल करने के बाद आप देख के हैरान हो जाएंगे, इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को देखने के बाद आप इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो बीमारी आपकी अनेक तरह की महंगी से महंगी दवाएं खाने के बाद जो ठीक नहीं हो पा रही है, वो इस फ्री के घरेलू नुस्खे की मदद से आपकी बिल्कुल जड़ से ठीक हो गई है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें लेनी है, दो चीजों के इस्तेमाल करने से आपने नुस्खा तैयार करना है और उसका इस्तेमाल करना है। नुस्खा कैसे बनाना है, कौन कौन सी वो चीजें हैं, मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, आप उन चीजों को नोट करके भी रख सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों, यहां पे आपको सिर्फ दो चीजें लेनी है, यहां पे सिर्फ आपको दो चीजें लेनी है, जो चीजें आपको पंसारी की दुकान से बड़ा इजीली कहीं से भी मिल जाएंगी, चाहे आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, नगर में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से दोनों चीजें बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले जो आपने लेना है, गुलर के सूखे हुए फल लेने हैं, ये लेने हैं 90 ग्राम। क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है, जो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूं उतनी ही क्वांटिटी में आपने नुस्खा तैयार करना है और उसका इस्तेमाल करना है। गुलर के सूखे हुए फल लेने हैं 90 ग्राम और धागे वाली जो मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री आपने लेनी है 90 ग्राम। यानी कि दोनों चीजों को सम भाग में लेना है, समान मात्रा में आपने लेना है। अब आगे आपने क्या करना है, गुलर के सूखे हुए फलों को आपने इमाम जस्ते में अच्छे से कूट पीस करके उसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। ठीक उसी तरीके से आपने मिश्री का भी कूट पीस करके उसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। पाउडर बहुत महीन करना है, बिल्कुल जैसे गेहूं का आटा होता है, ठीक उसी तरीके से दोनों चीजों का आपने पाउडर बना के तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार होने के बाद उसके बाद आपने उसको किसी कांच के बर्तन में भर के रख लेना है ताकि उसके अंदर सीलन वगैरह ना आए। यहाँ पे जो इस्तेमाल करने का तरीका है, इस्तेमाल करने का तरीका, आपने सुबह खाली पेट इस दवा का सेवन करना है। दवा की जो क्वांटिटी है वो रहेगी 6 ग्राम। 6 ग्राम दवा आपने सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में मिलाकर उसका सेवन करना है, उसको चाटना है। बस यही आपकी दवा है, यही आपका नुस्खा है। इस उपाय के लगातार 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने से आपकी चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी पर्दर की समस्या है, यहाँ पे ये जो नुस्खा मैंने बताया है, ये नुस्खा सारे के सारे पर्दर में काम करता है, चाहे लाल पर्दर है, चाहे सफेद पर्दर है, चाहे ब्लड बहुत ज्यादा गिरता है, चाहे योनि के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि ऑल इन वन नुस्खा, सारे के सारे समस्याओं का एक इलाज। आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए और अपनी इस बीमारी को हमेशा के लिए आप अपने शरीर से बाहर कर दीजिए। बड़े कमाल का नुस्खा है, आप इसका लाभ जरूर उठाइए। इस दवा के सेवन के दौरान आपने कुछ चीजों का परहेज जरूर करना है। परहेज के तौर पे आपने लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है, खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है, तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना है और चाय का सेवन बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोज इस टॉपिक पे डाल रखी है, लेकिन कुछ महिलाओं के मेरे पास फीडबैक आते हैं कि उनको आराम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी पर्दर से रिलेटेड कोई भी दवा का सेवन करते हैं, चाहे आप एलोपैथिक दवा का सेवन करें या होम्योपैथिक दवा का सेवन करें या आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें, तो आपको चाय का परहेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय का परहेज, खट्टी चीजों का परहेज, तली भुनी चीजों का परहेज और लाल मिर्च का परहेज करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कितनी भी महंगी से महंगी दवाइयां खा लोगे, कैसी भी आप दवाई का सेवन कर लें, लेकिन जब तक आप इन चीजों का परहेज दवा के दौरान नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट के दौरान नहीं करेंगे, तो आपकी इस प्रॉब्लम में कभी भी आराम नहीं होगा, कभी भी आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मैं आप लोगों को क्लियरली, क्लियर वर्ड में ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी दवा का सेवन करते हैं तो आपको परहेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
परहेज किए बिना आप अपनी बीमारी को सही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इन चीजों का परहेज करके अपनी बीमारी को अपने शरीर से निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर गुरुजी आयुर्वेदा के कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर शेयर किया हुआ है तो वहां से आप नंबर लेके किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।